स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल IST Fantasy Prediction में। अब जो मैच के बारे में बात करूंगा वो है हांगकांग और पाकिस्तान के बीच में ग्रुप ए के मुकाबला है, और इसमें क्या होने वाला है वो आपको कल पता चलेगा कि ग्रुप ए से क्वालिफाई एक टीम इंडिया कर चुकी है, ग्रुप ए से अब दूसरी टीम जो क्वालिफाई करेगी वो हो सकता है कि पाकिस्तान हो, मैं भी हो सकता है कि हांगकांग हो। बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि जिस तरीके से हांगकांग इंडिया के खिलाफ खेली थी, अच्छा ही खेली थी, बट टोटल जो सूर्य कुमार यादव की आधी आई थी उसके खिलाफ ज्यादा चल नहीं पाई, 150 तो उन्होंने बना ही दिए थे। तो मुकाबला अच्छा होगा, देखने लायक होगा। अगर 160-170 का टारगेट होगा तो वहां पे हांगकांग का तरीका अलग ही होगा खेलने का, क्योंकि जो फॉर्म है उनके खिलाड़ियों का वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए तीन जो एशिया की तीन टीमों को हरा कर तब वो क्वालिफाई की है टॉप सिक्स में, तो अच्छा ही प्रदर्शन करके आई थी, तीन के तीनों मैच जीत कर आई थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान को करी टक्कर देगी। तो इनके क्या प्लेइंग 11 रहेगी उसको बताता हूँ। हांगकांग की प्लेइंग 11 में आपको नजर आएंगे बाबर हयात, मोहम्मद गजनफर, किंचित शाह, निजाकत खान, एजाज खान, वाई मुर्तजा, जीसान अली, स्कॉट मैकेंची, हारून अरशद। इनको ये पिछले मुकाबले में पिट गए थे, तो मेरे हिसाब से इनको बिठाकर किसी दूसरे फास्ट बॉलर को खिलाया जा सकता है, क्योंकि मैं भी हो सकता है लेफ्ट मीडियम फास्ट को लाया जाए या राइट मीडियम फास्ट को लाया जाए, जैसे उनके में सदाब खान है, फकर जमान है, तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, तो वहां पे लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बॉलिंग में कर सकते हैं। तो आफ्ताब हुसैन है, एहसान खान खेलेंगे ही, धनंजय राव को नहीं मौका मिला, आयुष शुक्ला बहुत ही इम्प्रेसिंग बॉलिंग कर रहे हैं और इन्होंने पिछले मुकाबले में इंडिया के खिलाफ भी विकेट निकाला है। वजीद शाह को अभी मौका नहीं मिला, मोहम्मद वहीद भी है, अहान त्रिवेदी, आतिक इकबाल। मेरे हिसाब से आतिक इकबाल को प्लेस मिल सकता है प्लेइंग 11 में, जगह बन सकती है इनकी, उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है हारून। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी प्लेइंग 11 इंडिया के खिलाफ खिलाई थी वही सेम रहेगी, और मे भी एक चेंजेस बॉलिंग में कर सकते हैं, जैसे मैं बता दूं प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। बाबर आजम है, सदाब खान है, फखर जमान है, आसिफ अली है, हरीश राउफ है, इफ्तिकार अहमद है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद रिजवान है, नसीम साहब खेलेंगे अगर इंजरी नहीं हुई तो, शहनवाज धानी है। और यहाँ पे आपको चेंजेस क्या मिल सकता है, मोहम्मद हसनैन आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं या हसन अली आपको खेलते हुए इस मैच में दिख सकते हैं, तो ये आपको चेंज रहेगा। ये किसके प्लेस में आएंगे, दहानी के प्लेस में आएंगे या हरीश राव के प्लेस में आएंगे, ये देखने लायक होगा। तो चलिए बात करते हैं कि मैं जो मैच होगा वो खेला जाएगा शारजहां में, जहां पे एवरेज जो स्कोर है 160 का है, तो बैटिंग जो भी पहले करेगी 160-170 का टोटल लेकर चलेगी अपने माइंड में, और वहां उसको डिफेंड करने को चाहेगी, तो दोनों टीम 160-170 बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं और चेस करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। तो मैं बता दूं मैं अपने टीम में प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी रखने वाला हूं। विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करें, रिजवान बेस्ट है, उसके बाद मैकेंची और जीसान अली है। तो मैकेंची और जीसान अली काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है इनका, बट ये अटैकिंग प्लेयर है दोनों के दोनों, और मेरे हिसाब से जीसान अली बेस्ट रहेंगे आपको पिक के लिए, और रिजवान मैं अपनी टीम में रखता हूं दोनों। उसके बाद में चार मैंने बैटिंग पिक लिया है, बाबर आजम लिया है, बाबर हयात लिया है, फखर जमान लिया है, किंचित शाह लिया है। किंचित शाह स्लो खेलते हैं और अपनी बैटिंग को थोड़ा लंबा खेलने का प्रयास करते हैं, बाबर हयात अटैकिंग प्लेयर है, पावर प्ले में अटैकिंग खेलते हैं, देखा गया था जैसे अर्शदीप को, आवेश को किस तरीके से बाबर हयात ने अटैकिंग खेला था और वहां पे 41 रन की पारी खेली थी, तो बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी पारी खेलने के चांसेस इनके हैं, और वन डाउन आएंगे तो ये अच्छे अटैकिंग प्लेयर है, और टॉप थ्री जो 70% रन रहते हैं हांगकांग के टॉप थ्री प्लेयर ये बनाते हैं, उसमें से बाबर हयात एक है।
बात करें बॉलिंग सेक्शन की, मोहम्मद नवाज पिछले मुकाबले में 3 विकेट निकाले थे इन्होंने अपनी टीम के लिए, और शादाब खान को 1 भी विकेट नहीं मिल सका था, बट उनकी इकोनॉमी हमेशा बेस्ट रहती है। और यहाँ पे वाई मुर्तजा है जो कि बैटिंग में आपको टॉप ऑर्डर पे दिखाई देंगे और बॉलिंग से भी आपको 4 ओवर करते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आप मुर्तजा के साथ में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग से भी अगर विकेट निकाल कर देते हैं और बैटिंग में ये आपको ओपन करते हुए नजर आते हैं, वहां पे ये 25-30 रन मारकर 1 विकेट निकालते हैं, तो वाइस कैप्टन के पॉइंट भी देकर जा सकते हैं, आपको ये ट्राई कर सकते हैं आप। उसके बाद में मैं बात करता हूँ बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग से मैंने नसीम शाह लिया है, उसके बाद में मैंने आयुष शुक्ला लिया है, एहसान खान लिया है, तो ये मेरी टीम रहेगी। और कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने कैप्टन बनाया है नसीम शाह को, और वाइस कैप्टन रहेगा मेरा मोहम्मद रिजवान, तो ये मेरी टीम रहेगी। फाइनल कोई भी चेंजेस रहता है मेरी टीम में तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे आप, तो वहां पे आपको फाइनल टीम अपडेट आपको मिलेगी। सारे जितने भी मैचेस होते हैं सारे में हम कवर करते हैं, वहां से आप अल्टीमेट क्लीन स्वैप देख सकते हैं कि डेली कितना मैचेस क्लीन स्वैप आ रहा है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन करिए और पैसा जीतने का मजा उठाइए। और अगर आप प्रिडिक्शन खेलना चाहते हैं तो बल्लेबाजी में प्रिडिक्टर आ चुका है, तो प्रिडिक्टर पे मैं प्रिडिक्शन देता हूं जो कि दूसरे चैनल पे देता हूं, प्रिडिक्ट टू विन का है, तो उस पे आप क्लिक करेंगे मेरे दूसरे चैनल पे जाकर जुड़ जाएंगे, वहां पे मेरी प्रिडिक्शन चेक कर सकते हैं, 70% एक्यूरेसी के साथ में मैं प्रिडिक्शन देता हूं, वहां पे आप प्रिडिक्टर भी खेल सकते हैं। बाकी आप कोई भी जानकारी चाहिए तो बोर्ड पे आप मैसेज डाल सकते हैं, बाकी मैं आपको बोर्ड पे टेलीग्राम पे डिस्कस कर लूंगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।